असल मैंने रिजवान चीमा वेलकम बैक विद वीडियो ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी वॉकिंग टेल्स एपिसोड ट्वेंटी नाइन तक आज से आठ से दस माह पहले मैंने लाहौर स्मार्ट की साइड की डिफरेंट जगहों पर जाके पैदल ऐसी वीडियोज़ बनाई थी और तब के स्टेटस में आज के स्टेटस में ये फ़र्क है कि तब जो आठ माह पहले या नौम पहले जो जगह बिल्कुल वीरान बंजर पड़ी हुई थी आज वहाँ पर आपको प्रॉपरली डिवेलपमेंट हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हुई नजर आती है इस वक्त मैं जो ब्लॉक बी था जिसका नया नाम है ओवरसीज प्राइम ब्लॉक बी ब्लॉक बी में जहाँ पे कमर्शियल स्ट्रीट है इस तरफ ये मेरे रेलवे लाइन है और उसके दूसरी तरफ आपको जे रोड मिलेगा ग्रैंड ट्रंक रोड एन फाइव और इस तरफ ये चार मल्ला के कमर्शल प्लाट की स्ट्रीट है इस रोड की विर्थ है हंड्रेड फीट और इस रोड की विर्थ है रोड नंबर थ्री इसकी विर्थ बनती है सेवेंटी फीट अब अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनके साइज बनता है पच्चीस बाई छत्तीस का प्लॉट यानी ट्वेंटी फाइव फीट फ्रंट और थर्टी सिक्स फीट इसकी डेप्थ बनती है इस प्लॉट की कमर्शियल प्लॉट की यहाँ पे देखें तो जितने प्लॉट्स हैं तमाम का तमाम प्लॉट्स का पोजेशन रेडी है इन जो जो ट्वेंटी को बैल्टिंग होने जा रही है उसमें जिन मैंबर ने अपने प्लाट का हंड्रेड पे किया होगा तो उन प्लाट्स का उनको पोजेशन मिल जाएगा तो यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या आपको ज़मीन से निकले हुए कुछ पाइप्स वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे यानी यहाँ पे जो अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रिसिटी और बाकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं और यहाँ पे लाइट पोल्स भी लगे हुए हैं इस वक्त तमाम सराउंडिंग में आपको नजर आ रहे होंगे अब सेकेंड इस यहाँ पे जो बैक साइड पे आपको जो जामा मस्जिद है ग्रैंड जामा मस्जिद वो नज़र आ रही है ये बिलीव मी तकरीबन दस महीने के टाइम ही दोनों बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ये बना है एक है स्टाम स्मार्ट स्टेम कॉलेज और स्मार्ट स्टैम कॉलेज की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पहले ऑलरेडी कोई स्कूल था पहले चक चौवालिस का आई थिंक उसी को उन्होंने दोबारा हटा के वहाँ पे एजुकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्मार्ट स्टैम कॉलेज और ये कमर्शियल से बिल्कुल एडजस्टेड है तो जिन कमर्शियल जिन मेबर्स के यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनका इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे उनको वॉकिंग जो फ़ुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा तो अगर लट से जी कमर्शियल की लोकेशन के हवाले से लोग सजेशन जब पूछते हैं तो बी ब्लॉक के ये वाले प्लाट्स काफ़ी रिकमेंडेड है उसकी वजह यह है एक तो ये बिल्कुल सामने आपके ग्रैंड जाम मस्जिद है यानी कि पूरी सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर जुम्मे की नमाज़ अदा करने यहीं पर आना है तो आपको ये एडवांटेज मिल जाता है नंबर वन नंबर टू ये स्मार्ट स्टैम कॉलेज जो है यहाँ से होपफुली नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा तक़रीबन हंड्रेड फीट के डिस्टेंस पे है यानी कमर्शियल प्लॉट की जो स्ट्रीट है उसे हंड्रेड फीट के डिस्टेंस पे है तो उसका फुटफॉल भी सारा यहाँ पे आएगा एंड नंबर थ्री इसके यहाँ पे जो ब्लॉक है वहाँ पे जो कटिंग्स हैं प्लॉट की वो पाँच मरला और सात मलाह की कटिंग्स हैं तो पाँच मरला और सात मलाह कटिंग्स में डायरेक्ट से बात है कि अगर लट से सेक्टर ए की बात करें तो सेक्टर ए में जो कटिंग है वो बनती है दस मरला और एक किनाल की अब सेक्टर ए और सेक्टर बी में ये फर्क है कि यहाँ पर लट से वहाँ पर आते हैं किनाल के सौ प्लाट आता है तो यहाँ पर पाँच मरला के चार सौ आएंगे तो फोर टाइम्स का फर्क होता है क्योंकि एरिया वाइज लैंड वाइज सब कुछ एरिया यहाँ पर ज़्यादा बनता है तो इसलिए यहाँ पर फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा आएगा तो कमर्शियल यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में हैं यानी कि चार माख कमर्शल प्लाट आया मार्केट से बाय भी करते हैं तो आपको एवरेज प्राइस ब्रैकेट जो मिलेगी तकरीबन चालीस लाख के आसपास का ओन इस वक्त मार्केट में आज की डेट में यानी अवेलेबल है अठारह अगस्त आप कह लें कि इस वक्त जो करंट मार्केट स्टेटस है तकरीबन फोर मिलियन ओन के आसपास है तो अगर आप बाई करते हैं बेस प्राइस की बनती नाइन्टी फाइव लाख रुपीज़ नाइन्टी फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड पचास साठ हज़ार रुपये ट्रांसफर कर डालें तो तकरीबन पचानवे लाख का प्लाट चालीस लाख कमर्शियल के ऊपर ओन मिला के आपको अगर अलग से प्रोडक्ट मिलती यहाँ पर तो मेरा नहीं ख्याल ये बुरा सौदा है एक तरफ आपकी इस तरफ ग्रैंड ट्रंक रोड है जहाँ से ईजी एक्सेस पॉसिबल है जो सामने आपको रोड नजर आ रही है ये वाली रोड ये कमर्शल की पार्किंग है यानी कि इस तरफ हंड्रेड फीट का रोड है और ये सेंटर में ये जो स्ट्रिप आपको नजर आ रही है ये कमर्शियल की स्ट्रिप है और जो दूसरी तरफ जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट उस तरफ जो आपको स्ट्रीट नजर आ रही है वो दूसरी साइड फेसिंग कमर्शियल की पार्किंग है तो यहाँ पे ये प्लॉट्स बनते हैं सो व्यूअर्स दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले से कुछ मालूमा चाहिए तो दिए गए नंबर पर रबात करें इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट काम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़